एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। कोठी में समय बिताने वाले इस भूमि से थे, उनकी आत्माओं के सम्मान के लिए, भारत के संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भारत का संविधान में जो प्रीएम्बल है, दैट इज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भावना है वी द पीपल। द वी द पीपल का मतलब है कि भारत में मां भारती का हर सपूत किसी भी भूभाग में आउटसाइडर नहीं है। आपको भी मेरी तरह पीड़ा होती होगी, जब छोटे उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात होते हुए भारत के एक भूभाग के व्यक्ति जब इधर आता है आउटसाइडर कहा जाता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, याचना करता हूं कि इस पर रोक लगे। जो भी सेना का जवान बॉर्डर के ऊपर मां भारती की रक्षा में है, वो एक एक इंच के लिए रक्षा में है एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेक सुप्रीम सेक्रीफाइस। आप खुद ही राम जी का ही देख लीजिए, उनके वो कार्यकलाप जो हमारे सर को ऊंचा करते हैं क्या एक भूभाग से संबंधित थे? वो भारत से संबंधित थे, मां भारती से संबंधित थे। तो मेरा सबसे ये रहेगा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा देश के लिए, दुनिया के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए, पर पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जो टाला जा सकता था। अम्फान की चपेट में पूरा प्रांत आया, पर कलकत्ते ने पहली बार अपने इतिहास में वो 10 दिन देखे जहां म्युनिसिपल सर्विसेज नदारद थी, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज था, भारत की सेना और एजेंसी साधुवाद के पात्र हैं कि उनकी मदद से देर कुड बी रेस्टोरेशन। मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, जब हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो जानकारी देता है, दुनिया उसकी कदर करती है, समय पहले जानकारी मिली थी, पर्याप्त समय था, तैयारी क्यों नहीं हुई? क्या हमें पड़ोसी राज्य से घटना के बाद मदद की आवश्यकता थी? ऐसा न करना बहुत चिंता का विषय है। अम्फान के अंदर जो मदद की गई, जिनके पक्के मकान थे उनको मकान के लिए पैसा दे दिया गया, आप लोगों ने बहुत उजागर किया है। अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी अनियमितता हुई, वो रेवड़ियां अपने लोगों को राजनीतिक कारणों से बांटते रहे। प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संविधान के तहत सबसे बड़ी संस्था जो इस काम के लिए है सीएजी, उसकी ऑडिट के लिए कहा है। पैंडेमिक में परचेजेस हुई, 2000 करोड़ के परचेजेस के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ध्यान में रखते हुए अनियमितताएं हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है एंड देर आर अदर सीरियस इश्यूज, एक जांच का गठन किया। तब मैंने उनको आगाह किया जो जांच के दायरे में है, जिन पर जांच होनी चाहिए वो जांच करता बन गए। ये न्याय के मौलिक सिद्धांत के विपरीत है, पर हुआ क्या? न तो पत्रकार लोगों जांच की चर्चा करते हैं, न आप लोगों जांच रिपोर्ट को मांगते हैं, न आपको जांच के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं, और आपका राज्यपाल जब सरकार से पूछता है कि वो रिपोर्ट कहाँ है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, नहीं बताया गया है।
यह शासन व्यवस्था कानून से परे हटी हुई है। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखा है उसका उपयोग नहीं करना चाहता, बट इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उस ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे, यह अनुचित है।